नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज बीपीएड की बहुत ही हृदय द्रवित करने वाली चीज़ को मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बीपीएड खेल अनुदेशक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है दोस्तों। यह आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दी गई है दोस्तों। योगी जी इसको निरस्त कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लखनऊ राज्य सरकार ने 32,022 खेल अनुदेशक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने अनुदेशक की भर्ती निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंड विपरीत होने पर आधार बताते हुए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। यानी कि दोस्तों, इससे पहले जो सरकार थी, यानी कि अखिलेश जी की सरकार थी दोस्तों, वो सरकार हम लोग को सही ठहराई थी और जो है कि अपने अनुसार जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया चला रही थी दोस्तों। कमी तो अखिलेश सरकार में भी है दोस्तों। अगर वो चाही होती अखिलेश सरकार, तो ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट रूप से कर दी होती और आप लोग अब तक अपने अपने ड्यूटी पे होते दोस्तों। ये नकारा सरकारी की देन है दोस्तों कि आज आप लोग इस कंडीशन पे हैं। और ये सरकार, योगी सरकार दोस्तों, तो ये जो है कि ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिए दोस्तों। तो आप लोग भी दोस्तों घबराइए मत, घबराइए मत दोस्तों। और आप लोग भी जो है कि याचिका दाखिल कीजिए दोस्तों कोर्ट में, क्योंकि अभी सरकार का मन मनवाना ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं समझती है सरकार दोस्तों कि ये किस प्रकार से, किस ढंग से ये भर्ती प्रक्रिया हो। ये सभी चीज़ को मेरिट बेस पे करा चुकी है, पुलिस की भर्ती मेरिट बेस पे करा चुकी है दोस्तों। ये 32,022 खेल अनुदेशक भर्ती, इसके जो है गले की फांस बनी हुई सरकार के अंदर दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग हर ज़िले से इकट्ठा हों दोस्तों, हर ज़िले से चंदा बटोरे दोस्तों, चंदा बटोर के दोस्तों आप लोग हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें और मजबूती से करें दोस्तों, ताकि आप लोग का जो फ्यूचर जो है दोस्तों वो उज्जवल हो। क्योंकि कुछ लोग तो इसमें ओवर एज होने के कंडीशन पे हैं दोस्तों, कुछ लोग के वही एज है। तो दोस्तों हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ओवर एज हो जाएंगे आप लोग और भर्ती प्रक्रिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये सरकार इस डिग्री को चला किस लिए रही है, ये विश्वविद्यालय में ये डिग्री किस बेस पे चल रही है, हमको नहीं समझ में। हर साल जो है किसकी विज्ञप्ति आती है, बहुत बहुत BHU से लेके, काशी विद्यापीठ से लेके दोस्तों, देश के हर कोनों से जो दोस्तों यहाँ पे जो है बीपीएड का कोर्स चलाया जा रहा है दोस्तों। ये किस लिए बीपीएड कोर्स चलाया जा रहा है, मुझको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये कोर्स इस भर्ती को नहीं कराना है, हजारों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद, इतना समय गंवाने के बाद, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद दोस्तों, ये सरकार इस भर्ती को क्यों नहीं कर रही है। आप लोग इस बात को दोस्तों मुद्दा उठाइए और जो है कि अपने पक्ष को रखिए, क्योंकि सरकार, हाँ सरकार ने दोस्तों अपील की थी, याचिका की थी, उसके विपरीत हम लोगों ने भी याचिका किया था, जिसका दोस्तों स्पेशल बेंच और डबल बेंच ने दोस्तों अच्छे तरीके से हम लोग के पक्ष में फैसला दिया था। और दोस्तों फैसला देने के बाद सरकार बोली थी कि भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ तक कि यह आश्वासन दिया गया था दोस्तों, ये भर्ती प्रक्रिया दशहरे बाद जो है कि आप लोग को चालू कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया अब तक नहीं चालू हुई और अंततः क्या हुआ दोस्तों कि ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई दोस्तों। ये सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से दोस्तों ऑफिशियल न्यूज है दोस्तों, ये आधिकारिक रूप से दोस्तों ये निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग भी दोस्तों अपने हिम्मत मत हारिए और ये जो है कि अपना संगठन को मत तोड़िए दोस्तों, संगठन को बनाए रखिए। और दोस्तों चंदा हो, पैसा हो, जो जितना दे सकता है दोस्तों इकट्ठा करके, हर ज़िले के जितने भी बीपीएड संघ के जितने भी अध्यक्ष हैं दोस्तों, मैं उन लोग से अनुरोध करना चाह रहा हूं दोस्तों कि वो बीपीएड संघ के अध्यक्ष जितने लोग हैं वो लोग इकट्ठा हो के, जितने लोग बीपीएड धारी हैं उन लोग से संपर्क करें, गांव गांव में घूमें, जहां जहां वो बीपीएड लोग हैं उन लोग को चुन चुन के उन लोग से दोस्तों उन लोग के सामने प्रत्यक्ष बात रखें, और जो दोस्तों सहयोग चाहता है वो सहयोग लें उन लोग से। और दोस्तों कोर्ट में याचिका दाखिल करें दोस्तों, ये सरकार के विरुद्ध ये भर्ती कैसे, किस बेस पे दोस्तों ये भर्ती निरस्त हो गई। क्योंकि जो भी भर्तियां निकलती हैं दोस्तों, वो राज्यपाल के संतुष्टि के अनुसार ही निकलती हैं, जिसपे गवर्नमेंट आर्डर होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जियो जिसको बोलते हैं, जियो हम लोग के विरुद्ध, हम लोग के अनुसार ही था दोस्तों। जियो में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी, जियो में जो जो लिखा गया था दोस्तों उस अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी दोस्तों। योगी जी की सरकार आई दोस्तों, ये काउंसलिंग होना प्रक्रिया चालू होने वाला था, इसके बाद योगी जी ने इसको ब्रेक लगा दिया, हर चीज़ में ब्रेक लगाते गए दोस्तों। आखिर ये क्यों खटक रही है इन लोगों को, ये वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी नहीं खटक रही है, बहुत सारी वैकेंसी हो गई दोस्तों, आखिर यही वैकेंसी क्यों खटक रही है दोस्तों। आप लोग अपनी अपनी अपना जो है धैर्य न खोएं दोस्तों, और अपना विश्वास बनाए रखें दोस्तों, आप लोग की भर्ती ज़रूर होगी।
दोस्तों ताज़ा खबर पाने के लिए आप लोग ये इस साइट पे देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये www.jobria.com करके दिया गया साइट दोस्तों। इसी पे दोस्तों आप लोग को सारा डिटेल मिलेगा। जो लोग के पास धीरेंद्र भाई का ऑफिशियल साइट नहीं है, यानी कि व्हाट्सएप नंबर नहीं है, जो कि खेलकूद अनुदेशक का दोस्तों जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया गया दोस्तों, वो ग्रुप नहीं है दोस्तों। अपना ये इसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया गया है दोस्तों आप लोग के सामने, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग दोस्तों। सारे लोग कमेंट किए हैं, वैशाली कहीं कमेंट किए हैं, कुछ पता है किसको कि भर्ती का क्या होगा, आगे भर्ती होगी या नहीं होगी, या बीपीएड वाले सभी बस इंतज़ार करते ही रहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको जो रिप्लाई मिलेगा आपके साथियों द्वारा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि विशाल सिंह दीक्षित बोले हैं कि वैशाली अभी तो कैंसलेशन की अपडेट है, ऐसे विशाल भाई अपना वो चीज़ बोल दिए हैं कि यहाँ की। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को जो भी जो सहयोग करना हो सहयोग कीजिए अपने विभाग की तरफ से। और जो अगर आप लोग अपने में अपना वार्तालाप करना चाहते हैं कौन कहाँ से है, तो आप लोग इस माध्यम से jobria.com के माध्यम से आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप लोग देखिए बहुत ढेर सारा कमेंट है इसमें, अपना कमेंट यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेम लिखिएगा, ईमेल लिखिएगा, और लिखने के बाद आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, आपका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों आप लोग के सामने अनुदेशक भर्ती परिणाम घोषित, ये बहुत पुराना है दोस्तों, ये अनुदेशक परिणाम घोषित बहुत पुराना है दोस्तों, ये परिणाम घोषित और ये रद्द हो गया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे चीज़ का आपको मिलेगा जानकारी बीपीएड संबंधित। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं jobria.com है, तो आपको जाना कैसे, तो मैं इसको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप इस साइट में जाएंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे आपको इस सर्च बार में आए ऊपर देख लीजिए, मैं सर्च बार में इसको लिख देता हूँ दोस्तों, BPED कट ऑफ। जैसे यहाँ पे आ गया दोस्तों कट ऑफ आ गया, मैं इस कट ऑफ को सर्च बार में डाल देता हूँ। जी हूँ, मैं सर्च बार में डालूंगा दोस्तों BPED कट ऑफ, और देख सकते हैं तो सर्च बार सर्च कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अब जब सर्च बार में सर्च करेंगे तो ऐसा आपके सामने उभर के आ जाएगा jobria.com। तो दोस्तों आप लोग इस माध्यम से अपना जो है व्यक्त कर सकते हैं, हालांकि लग रहा है कि यहाँ पे जो है कि नेटवर्क स्लो हो गया, कोई बात नहीं है। तो इस माध्यम से आप लोग आ सकते हैं दोस्तों, और घबराइए मत, आपकी वैकेंसी होगी दोस्तों। दृढ़ इच्छा दृढ़ शक्ति बनाइए, अपने विल पावर पावर को जागृत कीजिए दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो नए यूजर मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।